हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज संडे स्पेशल में बढ़ते हैं पहली पोस्ट की तरफ। पहली पोस्ट है सीएसआर सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको जो ये एप्लीकेशन भेजना है ना, 13 से और 14 से पहले भेजना है ना बाद में भेजना है। सिर्फ आपके जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कब होंगे, जब आप 13 और 14 की डेट को भेजेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या क्या पोस्ट है? पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की। इसमें नीचे आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं रिसर्च फेलो की। तो जहाँ पे एमएससी इन केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी यहाँ पे 35,000 मिलेगी। सेकंड बात करें जीआरएफ की, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, पर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री के साथ क्या होना चाहिए, नेट गेट होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 31,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी। और इसी में और भी है एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन बीएससी में जो होनी चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए। तो इसमें साफ साफ स्पेसिफाई भी किया है कि जो एप्लीकेशन है वो 13 और 14 को ही एक्सेप्ट होंगे, उससे बिफोर या बाद में एक्सेप्ट नहीं होंगे। और जो आपका ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपको बता देंगे, एमएस टीम के थ्रू होगा, ठीक है? तो आप इंटरेस्टेड हो इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजियाबाद में। तो यहाँ पे ये 4 अगस्त को नोटिफिकेशन का रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है, तो यहाँ पे आपको गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की पोस्ट है। तो केमिस्ट्री में अगर आपके पास एमएससी है तो आपको 40,000 दिया जाएगा, और अगर आपके पास एमएससी विद नेट ग्रेड या पीएचडी है तो 50,000 के लिए है। और आपका जो टाइम ये होना है इंटरव्यू 24 को होना है, और इसमें वेन्यू और टाइमिंग सारी चीजें आप दे रखी है। आप इसको देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है? गेस्ट टीचर फैकल्टी की पोस्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सीएसआर नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें अगर हम बात करें, इसकी जो लास्ट लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 14 अगस्त। और पोस्ट की बात करें, एसआर सीनियर रिसर्च प्रोजेक्ट की पोजीशन है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पीएचडी होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ। और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 42,000 मिलेगा। और जो आपका काम है उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये सब चीजें, तो ये जो आपने कुछ इससे रिलेटेड कुछ काम किया हो अपनी पीएचडी की थीसिस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सीएसआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में 27 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें जो पोस्ट है ये रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी इन केमिस्ट्री होनी चाहिए, और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी 47,000 मिलेगी प्लस एचआरए मिलेगा। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 10 अगस्त है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। ये हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, तो ये एक तरीके से कंपनी वाली जॉब्स हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे ऊपर इंजीनियरिंग वाला था, केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पर हम केमिस्ट्री की बेसिकली बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है, इन्वायरमेंट क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें आपके फुल टाइम बीएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ। तो जो आपको पोस्ट मिलेगी जूनियर लैब असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, और पोस्टें भी काफी ज्यादा है, इसमें देख सकते हैं डिटेल में। फिर नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन, तो इसमें फुल टाइम आपके बीएससी होनी चाहिए, बीएससी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, और 50% होगी। और पोस्ट जो मिलेगी आपको क्वालिटी असिस्टेंट या जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट, तो इसका एक आपका एक एग्जाम होगा। तो आप वो एग्जाम क्वालिफाई करके इसमें देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होगा, ठीक है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। ये है सीएसआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में सिचुएटेड है। तो ये प्रोजेक्ट की पोस्ट है। तो पहली एक ही प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 2 ईयर्स का आपको रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए सेडिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टाइपेंड जो मिलेगी आपको 28,000 मिलेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपके पास क्या है, 15 अगस्त है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। यह है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी, जो नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है 2 अगस्त को रिलीज हुआ है। अगर इसकी बात करूँ, डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट है, और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ, ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस के साथ, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो फेलोशिप आपको अमाउंट मिलेगी 22,000, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 18 अगस्त, ठीक है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। ये है आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की बात करें, तो ये पहले भी नोटिफिकेशन आया हुआ था, फिर ये दोबारा रिन्यू हुआ है। तो ये 29 का अब निकाला है दोबारा। तो इसमें अगर केमिस्ट्री की बात करें, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट है। तो अगर मैं इसमें जनरली बात करूँ, केमिस्ट्री एस एस तो नहीं है, पर इसमें फार्मेशियल केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों की वैकेंसीज है, तो आप इसमें देख सकते हैं डिटेल में।
और कैटेगरी वाइज भी है, तो आप इसमें डिटेल में सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ जो वैकेंसी एडवर्टीजमेंट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का है, मैनेजर का है, तो जनरली जो आपके पास यहाँ पे जैसे पहली है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की, तो इसमें आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए बट एक्सपीरियंस ज्यादा है, या तो आपके पास पीएचडी डिग्री हो तो आप इसके आप वो चीज को मतलब बीट कर लेंगे। तो जो दो कैंडिडेट है तो जो पीएचडी वाला होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 है तो उसमें भी यही है कि एमएससी केमिस्ट्री है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या पीएचडी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो अगर जनरली बात करें, और भी पोस्ट हैं जो जिसमें एमएससी केमिस्ट्री है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे लिखा है इसमें एमएससी मैरीन केमिस्ट्री तो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये भी लाइन लिखिए कि एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ना विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप भी एलिजिबल हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट्स में तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ये इसकी बात करूँ, इसमें साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। तो जिन बच्चों का जैसे मेरे को मैसेज भी आया था पिछली वाली वीडियो में, तो पोस्ट डॉक कर रखी है जैसे, है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जैसे पीएचडी केमिकल साइंस है, 5 ईयर्स की आपकी पोस्ट डॉक कंप्लीट हो गई है, तो साइंटिस्ट डी की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर साइंटिस्ट सी की बात करो तो पीएचडी कंप्लीट विद देयर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक वाली अगर डिग्री, तो आप इजिली आपको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। साइंटिस्ट बी वाली पोस्ट की बात करूँ, एमएससी डिग्री विद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। और जो आपको स्टाइपेंड इसमें मिल रही है काफी सही मिल रही है। देखो साइंटिस्ट डी में कुछ 1 लाख के अराउंड है, साइंटिस्ट सी में भी कुछ ऐसी है और साइंटिस्ट बी में 87,000। तो जितनी भी पोस्ट डॉक्स वाले पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो ट्राई करें कि साइंटिस्ट की जहाँ जहाँ पोस्टें निकलती हैं वो वाले अप्लाई करें, तो आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, ये 29 को नोटिफिकेशन निकला। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, एमएससी इन केमिस्ट्री है, तो इसमें नेट गेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। स्टाइप फेलोशिप की बात करूँ 31,000 है प्लस एचआरए। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। जो स्टूडेंट की पीएचडी हो गई और पोस्ट डॉक अप्लाई करना चाहते हैं, तो आईसीएआर कोलकाता में अभी इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुए, तो फिल कर सकते हैं। तो आपको हर ईयर के अलग अलग मिलेगी फेलोशिप अमाउंट, और रिसर्च ग्रांट जो आपको अलग 50,000 पर एनम आपको वो अलग से मिलेगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। तो ये आपका इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, तो ये जो जो कोलकाता में सिचुएटेड है। तो इसमें अगर जनरली बात करूँ आरए की पोस्ट है, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पे, आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए और विद 6 मंथ का ये प्रोजेक्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 17, इसी में है। सेकेंड इनका प्रोजेक्ट सेकेंड को रिलीज हुआ है, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए। एक पोस्ट है आरए की रिसर्च एसोसिएट 1 की, और आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। और लास्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो इसमें जनरली बात करूँ एक प्रोजेक्ट की वैकेंसी है, तो आप इसको डिटेल में दिखाता हूँ मैं आपको। ये है रबर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगी है उसमें है एमएससी केमिस्ट्री या पॉलीमर साइंस, आपके नेट गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपको थोड़ा बहुत चाहिए, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 अगस्त। तो होप आपको ये सब पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी इस चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए। ऑल द बेस्ट।